प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोची मेट्रो का उद्घाटन किया, लेकिन ये मेट्रो प्रोजेक्ट देश के बाकी प्रोजेक्ट से कुछ अलग है। आइए आपको कोची मेट्रो से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। कोची मेट्रो का पहला फेज 13.2 किलोमीटर का होगा। इस मेट्रो का विस्तार 25 किलोमीटर तक किया जाना है। कोची मेट्रो के निर्माण का कार्य 2013 में शुरू हुआ था। इसकी जिम्मेदारी डीएमआरसी को दी गई थी। डीएमआरसी के पूर्व चीफ ई श्रीधरन इस नई परियोजना के सलाहकार भी थे। इस परियोजना के लिए कुल 5,180 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान रखा गया था। 13 किलोमीटर के दायरे में 11 स्टेशन होंगे, वहीं कुल 25 किलोमीटर के दायरे में 22 स्टेशन होंगे। कोची मेट्रो का न्यूनतम किराया 15 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। अभी दिल्ली में चल रही मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए है। ये देश की ऐसी पहली मेट्रो होगी जिसमें कम्युनिकेशन पर आधारित ट्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसका मकसद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना और गलतियों को कम करना है। कोची मेट्रो का हर स्टेशन किसी खास थीम पर आधारित होगा। ये थीम समुद्री इतिहास, पश्चिमी घाट और शहर के इतिहास से संबंधित होगी। प्रत्येक स्टेशन पर सोलर पैनल लगे होंगे। मेट्रो में इस्तेमाल होने वाली बिजली के 25% हिस्से का उत्पादन इन्हीं पैनलों से करने का लक्ष्य रखा गया है। ये देश की पहली ऐसी मेट्रो होगी जहां स्टेशन पर ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। उद्घाटन के दिन स्टेशन पर कम से कम 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारी मौजूद रहे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।